अर्थ प्रकाश देखने वाले तमाम भाई बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाई बहनों, जैसे आपको पता होगा कि हमने 3 फरवरी को एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दी थी दिल्ली इलेक्शन पर कि किस दिल्ली किसकी होगी, ये टाइटल था। और वो रिपोर्ट मैंने खुद दिल्ली में जाकर लोगों के व्यूज इकट्ठा किए थे, लोग इस इलेक्शन को किस दृष्टि से देखते हैं। और जब हमने लोगों से व्यूज लिए, उस वीडियो के अंदर भी आपको सब देखने को मिलेगा, उसमें लोगों ने ये कहा था कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी स्थानीय मुद्दे लेकर ये इलेक्शन लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी नेशनल मुद्दे लेकर इलेक्शन लड़ रही है, और अगर भारतीय जनता पार्टी को सर्वाइव करना है इलेक्शन के अंदर, तो उनको दिल्ली के लोगों की मूलभूत सेवाएं हैं जो दिखते हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए वो मुद्दे बनाते हुए इलेक्शन लड़ना चाहिए। अब हम बात यहां पर करेंगे, उस वीडियो में जिक्र हुआ था कि एनआरसी और सीएए, और उसमें ये भी बात हुई थी, नड्डा साहब के बारे में भी बताया गया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये स्ट्रेटजी बदलती है तो ये इलेक्शन बहुत रोचक हो जाएगा। और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस हद तक ये इलेक्शन को लेकर सीरियस है। उसमें जो उस वीडियो में अर्थ प्रकाश के वीडियोस में जो सजेशन था, उसको केंद्र सरकार ने कल इम्प्लीमेंट कर लिया है, और आज लोकसभा में कह दिया है प्रधानमंत्री जी ने कि एनआरसी अभी लागू नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है, और अब आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली का इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा रोचक होगा। और हम अपने दर्शकों को, आप जैसे मैं अक्सर कहता हूँ अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अंदर, कि अर्थ प्रकाश हमेशा तथ्यों के साथ बात करता है, जो हम बात करते हैं वो पुख्ता बात होती है। अगर किसी को हमारी बात पे संशय है तो हम वो वीडियो जो 3 फरवरी को हमने रिलीज की थी, उसका लिंक भी हम अपने दर्शकों को नीचे दे रहे हैं। ये थी मेरी डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा और मेरे कैमरामैन राहुल तिवारी की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।